सीईटी की एग्जाम 27-28 सितंबर को होने वाली है। उस एग्जाम में आपको बैठने भी दिया जाएगा और आपकी परीक्षा भी ली जाएगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपको का रिजल्ट नहीं आएगा, आपको परीक्षा से बर्खास्त कर दिया जाएगा। ऐसी आरपीएससी की कम्युनिटी गाइडलाइन जारी की गई है। एग्जाम की गाइडलाइन जारी हो चुकी है, तो ये गाइडलाइन आप अच्छी तरह से याद रखें। जब आप परीक्षा हॉल में बैठे और ओएमआर सीट को भरे, तो ओएमआर सीट को भरने से संबंधित जरूरी सूचना आप अच्छी तरह से जान लें। आपको ओएमआर सीट दी जाएगी। ओएमआर सीट में 5 ऑप्शन होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 5 ऑप्शन होंगे और 5 ऑप्शनों में से 1 ऑप्शन आपको भरना है। अगर आपने ऑप्शनों को नहीं भरा, खाली छोड़ दिया, तो आपकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा, आपकी परीक्षा मान्य नहीं होंगी। और आरपीएससी की क्लियर गाइडलाइन है कि अगर आपके 10% क्वेश्चन ऐसे हुए जिनके आंसर आपने बिल्कुल भी नहीं दिए हैं, तो आपकी परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन का पेपर है और प्रत्येक प्रश्न दो नंबर का है। 150 प्रश्नों में से 10% निकाला जाए तो होते हैं 15 क्वेश्चन। अगर 15 क्वेश्चन आपके बिना गोला भरे हुए मिलते हैं, तो आपको परीक्षा से बर्खास्त कर दिया जाएगा, आपकी परीक्षा मान्य नहीं होगी। इसलिए गोला आप पूरे प्रश्नों के ही भरें, एक भी प्रश्न आपको छोड़ने नहीं है। इसमें 5 विकल्प होंगे, प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प आपके उत्तर के होंगे जो सही है, जिनमें से आपको चयन करना है। अगर आपको लगता है कि चारों ऑप्शन प्रश्न के उत्तर नहीं है, तो आपको 5वां गोला भरना है। अगर इसके बावजूद भी आपने 5ों गोलों में से किसी को भी नहीं भरा, तो आपकी एग्जाम को रद्द कर दिया जाएगा। अगर 10% खाली मिलते हैं आपके प्रश्नों के उत्तर, तो इसका आप विशेष ध्यान रखें। और इसके लिए आपको ये जांच करने के लिए 10 मिनट का समय दिया जाएगा कि आपके किसी प्रश्न के गोले खाली तो नहीं हैं। आपको गोला भरने के लिए 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा, तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। गोला पूरे प्रश्नों के भर के आने हैं और एग्जाम सेंटर पर आपको आधार कार्ड लेके जाना है, अपना मूल एक फ़ोटो लेके जाना है, प्रवेश पत्र लेके जाना है और ड्रेस कोड में जाना है, एक नीला बाल पॉइंट पेन लेके जाना है। इसके अलावा और कोई भी सामग्री साथ में लेकर के नहीं जानी। अगर किसी के पास में आधार कार्ड नहीं है, तो उसके लिए अन्य मूल आईडी भी जारी कर दी जाएगी, यानी मान्य होगी। और एग्जाम सेंटर पर 1 घंटा पहले गेट बंद कर दिया जाएगा, एग्जाम शुरू होने से पहले, इसलिए पहले ही जाएं और ये सुनिश्चित कर ले कि आपको अपने एग्जाम सेंटर पर पहुंचने में आसानी हो, उसके लिए पहले से ही जाए। तो ये थी नई गाइडलाइन और इसको फॉलो करें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि सबको इसकी जानकारी मिले। एग्ज़ाम तो देने जाए, लेकिन बाद में पता चले कि उनकी एग्ज़ाम को ही रद्द कर दिया गया है, तो इस बात का विशेष ध्यान रखें।